क्या आपने कभी सोचा है कि जो एरोप्लेन होता है जब उसमें कोई पैसेंजर मतलब टॉयलेट करता है या पोटी करता है तो उसकी पोटी कहाँ जाती होगी या कहाँ गिरती होगी। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा मगर आप इस बारे में जान के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे और शायद आपको थोड़ी हंसी भी आ जाए। तो बात यह है कि जो पैसेंजर टॉयलेट यूज करते हैं तो उनकी पोटी कहाँ जाके गिरती है, बात ये है ना। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि एक बार एक प्लेन से जो सेवे जो उनकी पोटी होती है उस पोटी से एक किसान के साथ एक ऐसी घटना घटी ना कि वो किसान बिल्कुल हैरान होके रह गया, भाई यार ये क्या कर दिया मैंने। जिसे वो चमत्कार समझ रहा था ना वो महज एक तुक्का या एक चूक थी या एक बोलो गलत फहमी थी जिसको वो समझ रहा था कि बहुत ही बेशकीमती चीज है। किसान ने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा, मतलब जैसे उल्का पिंड होता है ना, तो उस किसान ने उस आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा, ठीक है, जो कि जमी भी और कुछ पत्थर के आकार की लग रही थी, मतलब जब गिर रही थी वो तो ऐसा लग रहा था कि कुछ वो उल्का पिंड टाइप का है। और वो किसान उसे अनोखी चीज कुछ रहस्यमय चीज समझ के ना वो अपने घर पे लेके चला गया, ठीक है। और उसके बाद उस बंदे ने उस चीज को पॉजिटिव सेवेज को अपने फ्रीजर में रख दिया कि यार मैं इसको किसी को नहीं बताऊंगा यार कि मेरे पास ऐसी कोई चीज है। तो उसके जो साथ के साथी थे ना तो उसने उसको राय दी कि इस पत्थर को ना विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए कि ये एक्चुअली में है क्या, तो इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि इसको विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। फिर विशेषज्ञों ने इस पे जांच की कि एक्चुअली में है क्या। फिर जांच के बाद पता चला कि ये एक महज एक पोटी का एक ढेला है, मतलब टुकड़ा है जो उल्का पिंड की तरह लग रहा था, जो जम के एक बिल्कुल पत्थर की तरह बरसा। वो उसको जो कीमती चीज समझ के अपने फ्रिज में रखा हुआ था वो एक दरअसल एक पोटी का टुकड़ा था। फिर विशेषज्ञों ने उसका मतलब उसको पूरी जानकारी दी, उसको पूरी बात बताई कि जो सीवेज है ना ये पोटी है ये एक्चुअली ना एरोप्लेन से गिरा होगा क्योंकि इस पोटी में सीवेज में एक तरह का केमिकल मिला दिया जाता है जिसकी वजह से कोई बदबू नहीं आती है किसी को भी। और जब इसको ऊंचाई से गिराया जाता है ना, जो ऊंचाई से गिरता है तो ये हवा के संपर्क में आने के बाद में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको नॉर्मली बात बता दूं कि जो ये एरोप्लेन में ना ये टैंक लगे हुए होते हैं, जो पोटी का होता है ना वो एक टैंक होता है जो कि एयरपोर्ट्स पे जाके इनको खाली किया जाता है, इनको आसमान में नहीं छोड़ा जाता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। और एक ऐसी घटना भी हुई थी कि मध्य प्रदेश में ना एरोप्लेन से वही पोटी का टुकड़ा गिरा था, ठीक है ना, जो कि वो पोटी बर्फ के बड़े टुकड़े में कन्वर्ट होकर गिरा था और वो किसी महिला को लग गया था, ठीक है, जिसके बाद लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए कि नहीं यार ये कुछ अलग चीज है, कुछ पावरफुल चीज है ये। इसके अलावा भोपाल में एक विमान था उसमें एक टॉयलेट था ना उसमें होल हो गया था और जब उसका वो पोटी नीचे गिरा तो वो भी किसी महिला को जाके लग गया था जिसके वजह से वो महिला घायल हो गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एरोप्लेन में जो पोटी होती है ना वो एक्चुअली में एयरपोर्ट्स में आके खाली होती हैं, जब वो भर जाते हैं तो उनको गिराया नहीं जाता है, कभी कभार गिर जाते हैं वो बात अलग है मगर इनको एयरपोर्ट्स पे आके खाली कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।